नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियोज से मैं हूं हीर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और आज की सबसे बड़ी अगर आप देखें खबर यही है कि बैंक्रप्सी बिल पास हो गया हो। कल बीजेपी के लिए एक महत्व धक्का था, उत्तराखंड में एक सेटबैक था उनके लिए। फाइनली वहाँ पे उनकी कैलकुलेशन ठीक नहीं रही, लेकिन आई थिंक संसद में संसद के कामकाज को लेकर आप देखें तो एक उपलब्धि उनकी ये रही, बैंक्रप्सी बिल पास हो गया। गुड फॉर देम एंड गुड फॉर इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल पास हो गया, बैंकिंग सिस्टम के लिए जहाँ तक देखा जाए। और इनफैक्ट आज इस पर हम बातचीत भी करेंगे, कौन सी कंपनीज हैं जो एलिजिबल हो सकती है इसके लिए या फिर जिन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले चलिए क्यूज देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 5 पॉइंट नीचे, और जिस तरह के ओपनिंग टिक्स हैं, देखिए ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आज के लिए तो कम से कम जो ग्लोबल सेटअप है वो थोड़ा कमजोरी का ही है। अब इसमें अगर मार्केट आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आईआईपी और सीपीआई इसके आंकड़े भी आने वाले हैं जिसके लिए बाजार थोड़ी सेंसिटिविटी दिखा सकता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल ट्रेड अगर देखें तो आज भी काफ़ी हद तक दारोमदार रहेगा, एक तो बैंकिंग स्टॉक्स पर और दूसरा पॉकेट्स जहाँ पर बाइंग देखने को मिल जाए। साथ ही एक बार प्लीज़ कल की गोल्ड सिल्वर की क्लोजिंग भी दिखाइए कि एग्जैक्टली कल हमने क्रूड में पुल बैक देखा, एशियन मार्केट्स की थोड़ी सी कमजोरी है ही, कमोडिटीज़ क्या कर रही है वो भी देखना होगा। इस बीच अगर आप देखें, आप निफ्टी को देखिए 35 अंक ऊपर एज पर द नेगेटिव एक्शन और लगभग 66 अंक ऊपर है। टाटा स्टील 125 रुपये ऊपर बिल्कुल साइड बेस। BHL बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे 125-30 के स्तर पे। BPCL कोई अगर आप देखें बदलाव नहीं, 919 के स्तर पे। गेल बिल्कुल फ्लैट है 387 की ट्रेजेक्ट्री में। और M&M करीब 2.5 रुपये ऊपर 1350 फ्लैट। भारतीय एयरटेल अगर आप देखें 370 के स्तर पे। इस बीच अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट में 6655 के मुकाबले अगर आप देखें 6663 इन लेवल्स पे खुला है, तो थोड़ी सी अगर आप देखें कमजोरी रुपए में है। आई थिंक मेरे एक और चीज़ है, आई थिंक ये जो मॉरिशस ट्रीटी में हुआ बदलाव, सिंगापुर ट्रीटी में बदलाव संभावित इस दौर में, आई मीन अगले एक साल में। आप शायद कह रहे हैं कि पैसा आएगा भी, लेकिन फॉरेक्स का भी उसको संभालना बड़ा चैलेंज होगा आई थिंक। जी हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, चैलेंज हो सकता है। इस पर और बात भी करेंगे बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यूज़ है, जैसे कुछ जानकार जो हैं, चाहे वो जिम रॉजर्स हो, कुछ एक मार्क मोबियस ग्लोबल इन्वेस्टर्स, कुछ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन कल हमने एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स के जो दिग्गज हैं, चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हो, मधुसूदन खेला, उन सबसे बात की, तो वो तो बड़े पॉजिटिव हैं इसे लेकर। खैर ये देख लेते हैं आज के लिए ब्रोकरेज कॉल्स कौन कौन सी हैं। संदीप बताइए। शुक्रिया मेहर, सबसे पहला कॉल आज के लिए एशियन पेंट्स पे है, CLSA का। उनका कहना है कि नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं, लेकिन वो आउट परफॉर्म रेटिंग इस काउंटर के लिए बरकरार रखे हैं। टारगेट जो है उसे बढ़ाया गया है 975 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति शेयर उन्होंने किया है। लेकिन FY17 और FY18 के लिए उन्होंने जो EPS का अनुमान है उसमें 4-5% की कटौती करी, जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं कल। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक पर भी CLSA का एक टेक आया, जिसमें उन्होंने जो आउट परफॉर्म रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस यहाँ पर बढ़ाया गया है, 770 का पहले टारगेट था, उसे बढ़ाकर 820 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। तीसरा वाला है हेवल्स के ऊपर, सिटी की एक राय है जिसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट वो सुझा रहे हैं 334 रुपये प्रति शेयर का। उनका ऐसा कहना है कि सिल्वेनिया को इन्होंने जो बेचा है उसके बाद से इस कंपनी की जो हालात है उसमें सुधार देखने को मिला है। H1 FY16 में जहां रेवेन्यूज में 1% के आसपास ही कमी आई थी, H2 FY16 अगर देखें कंपेरेटिवली बेटर है, वहां पर आय में बढ़त देखने को मिली। और भारतीय कारोबार में जिस तरह से मजबूती आ रही है वो आगे चलते हुए अर्निंग्स के लिए की ड्राइवर का काम करेगा। इसके अलावा वोल्टास के ऊपर सिटी का एक टेक है, जिसमें उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट प्राइस रेस किया है, 262 का पहले टारगेट प्राइस है उसे बढ़ाकर 358 किया है। दो मेन ट्रिगर वो इस कंपनी के लिए मान रहे हैं। पहला तो ये उनका मानना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से एसी की जो सेल्स हैं उसको ट्रिगर मिलेगा। साथ ही साथ मानसून अगर अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसकी वजह से उन्होंने बाय मेंटेन किया और जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। आखिरी कॉल है अपोलो टायर्स पर, जिसके नंबर्स अगर आप देखें चारों पैमानों पे खराब रहे हैं, और UBS का भी ऐसा मानना है कि नंबर्स खराब रहे हैं। बेटा मार्जिन में करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है, न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट उस जा रहे 180 रुपये का। अपोलो टायर्स पर आप देखें जो हाउस व्यूज है वो अच्छे नहीं है। और इनफैक्ट जो ये बात कर रहे थे ना अभी संदीप, मैं एक और चीज़ को देख रहा था कल जी एंटरटेनमेंट के नतीजे देखिए साहब, नतीजों के बाद स्ट्रीट का रिएक्शन देखिए, तो एक थीम तो स्ट्रीट की ये रही है कि बाय स्ट्रेंथ प्लीज़, ये तो क्लियर कट मैंडेट दे दिया स्ट्रीट ने, बाय स्ट्रेंथ बाय प्योर परफॉर्मेंस। हाँ, बाय प्योर परफॉर्मेंस। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक मैं अभी जब संदीप वोल्टास का जिक्र कर रहे थे, अब आप देखिए कल इस पूरे सेक्टर में स्ट्रेंथ थी, क्या हिताची होम, क्या वोल्टास, क्या लॉयड इलेक्ट्रिक, सब में अगर आप देखें काफी अच्छी, उसमें वो भी था ना कि पिछले 5 साल में सबसे बेहतरीन सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, और तापमान अभी भी ज्यादा है, तापमान तो अभी भी ज्यादा है, तो ये एक परफेक्ट अगर आप देखें जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इस पूरे सेक्टर के लिए। टेक्निकली पूछ लेते हैं, आई मीन ट्रेड करने लायक क्या है, इन्वेस्टमेंट के लायक इस वक्त क्या है, वो अविनाश से पूछ लेंगे। टेक्निकली अगर इसमें से इस चंक में से कुछ पिक करना हो मानस, तो आप क्या पिक करेंगे? मैं
देखिए, हमने जिन स्टॉक्स की बात की इसमें अगर टेक्निकली पिक करना हो तो इसमें एक तो वोल्टास मैं समझता हूँ कि जिस तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, ये जरूर है कि 320-330 रेजिस्टेंस है, बट पैटर्न को देख के लगता है शायद ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे, स्टॉक 350-355 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक लॉन्ग करेंट लेवल्स पर बनाए जा सकते हैं जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 305 के नीचे रहेंगे। बिल्कुल, चलिए आज सुबह बाजार खुलने से पहले फास्ट मनी में हमने हमेशा की तरह आपको कई कॉल्स दी थी, एक बार देख लेते हैं उन कॉल्स को। मेरी तरफ से एक मार्च अभी क्वालिटी के लिए बताया गया, नेस्ले के साथ मैंने शुरुआत की जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, नतीजे आने वाले नतीजे थोड़े बेहतर रहने की संभावना, नतीजों से पहले आप चाहें तो मुनाफा वसूल कर ले 5650 रुपये का लक्ष्य रखना। चीनी सोने में लगातार तेजी, बलामपुर चीनी पर दाव लगाइए, 118 रुपये का लक्ष्य होगा। आदित्य बिरला नुबो में 920 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह। जैकॉब एक शेयर होगा जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, बतौर ईपीएस शेयर मैंने उतारा, पिछले दो तीन दिनों से एक मजबूत डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को मिली है, पिछले 10-12 दिनों का रेंज देखे तो उसके अपर साइड पर ट्रेड करा, जब बाजार में तो दिन के ऊपर स्तर के आसपास बंद हुआ, डिलीवरी बेस्ड अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, 84 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। वाटक बबाग में खरीदारी करने की सलाह होगी, 610 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। अपडेट भी इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, वेस्ट कोस्ट पेपर होगा जिसमें लगातार खरीदारी देखने को मिली है, शेयर मल्टी ईयर हाई पर ट्रेड करा, 95 रुपये 50 पैसे का आपको लक्ष्य रखना होगा। रैलिस इंडिया एग्रीकल्चर स्टॉक्स में से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं उसमें खरीदारी देखने को मिली है, 206 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। इलेक्ट्रोथम में खरीदारी करने की सलाह होगी, सेक्टर जुड़ी कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, 73 रुपये का लक्ष्य होगा। इसके अलावा स्ट्राइड सासून में बिकवाली कीजिए, लगता है जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है, यूएस एफडीए से एक अलर्ट जारी हुआ, हमने समान तौर पर देखा जब ऐसे अलर्ट आते हैं तो शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 1160 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब बतौर आज के लिए मैंने सुपरहिट शेयर मोल्टेक पैकेजिंग को उतारा है, कंपनी के नतीजे काफी शानदार देखने को मिले हैं, 170 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। मैंने आपको 8 ट्रेड खरीदारी के और 2 ट्रेड्स बिकवाली के बताए हैं, शुरुआत मैंने बिकवाली के ट्रेड्स के साथ करी थी। अपोलो टायर्स जिसके नंबर्स खराब हैं, हर पैमाने पे नंबर खराब देखने को मिले, तो ना केवल अपोलो टायर्स बाकी टायर शेयरों पे भी आप नजर रखे चल सकते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। क्यूपिड के नंबर बेहद शानदार देखने को मिले हैं, 3.5 गुना मुनाफा बढ़ा, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और पेंसिल लैंड नंबर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, अबिडा फ्रंट पे और वैसे भी नेट लेवल पे भी जो घाटा है उसमें कमी देखने को मिली है, इस वजह से आज तेजी देखने को मिल सकती है। सुतले टेक्सटाइल इस कंपनी के जो मुनाफा उसमें 75% के आसपास की बढ़त आई है, इसलिए मैंने इसे ईपीएस का दर्जा दिया है, तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन जस्ट डायल 2 दिन से गिरावट हो रही है, आज भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है, 705 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। कमोडिटी शेयरों में जीओएल ऑफशोर की बात कीजिए, इसके अलावा नालको जैसे जो मेटल काउंटर्स हैं उनमें आज तेजी देखने को मिल सकती है, तो डॉलर कमजोर हुआ है, मेटल कीमतें बढ़ी हैं और क्रूड में जो तेजी आई है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओके प्ले इंडिया अच्छी खबरें आई हैं जिसकी वजह से आज तेजी देखने को मिल सकती है, इलाहाबाद बैंक बैंकरप्सी बिल का जो ट्रिगर है वो आज भी बैंकिंग शेयरों को ड्राइव करेगा, छोटे मझोले बैंकों पर नजर रखकर चलिए तेजी देखने को मिल सकती है। बतौर सुपरहिट शेयर मैंने एक फार्मा कंपनी ताइश इंडस्ट्रीज को उतारा है, यूएस एफडीए इनकी जो काकीनाड़ा यूनिट है उनको मंजूरी मिली है, उस वजह से आज बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने अग्रेसिव टारगेट दिए आज 44 रुपये के आसपास के। बिल्कुल, तो ये कुछ हमारी पिक्स हैं जो आज हमने बाजार खुलने के पहले आपको दी हैं, लेकिन इस समय जिस तरह के संकेत इंडिकेटिव टिक्स में बने हुए हैं, एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन इन सब के बीच नंबर्स जहां पर आने वाले हैं उन स्टॉक्स पर एक बार राय ले लेते हैं। आपका व्यू इस समय मानस नेस्ले डॉक्टर रेड्डीज ग्लेनमार्क इन पर क्या है? देखिए, अगर हम फार्मा की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी जहां चार्ट पे वीक लगता है, ऐसा लगता है कि अभी भी शायद 5-6% का डाउनसाइड देखने को मिलेगा, वहीं पर ग्लेनमार्क के चार्ट देखिए तो वहां पर काफ़ी पॉजिटिव दिखते हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल आया है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, और मैं समझता हूँ यहाँ पर एक ट्रेडिंग कॉल ली जा सकती है जिसमें टारगेट आपके करीब 910 रुपये के आसपास रहेंगे, तो ग्लेनमार्क एक डेफिनेट बाय रहेगा जहां पर स्टॉप लॉसेस 840 रुपये के नीचे रखें। चलिए बीच बीच थोड़ा सा ये देखते हैं कि बाजार ने एग्जैक्टली क्या थीम बनाई है आज के सेशन के लिए, इंडिकेटिव एक्शन कहाँ जाके मैच्योर हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखें तो करीब 22 अंक ऊपर, और अगर आप देखें कुछ और काउंटर जिनमें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है, इसमें आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक टॉप पर, BOB दूसरे पायदान पर 2%, उसके बाद तीसरे पायदान पर ONGC, क्रूड ने पुल बैक था तो उसके चलते अगर आप देखें स्ट्रेंथ यहाँ पर है, एशियन पेंट्स कल के नंबर्स के बाद, और चौथे पायदान पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक्स और कमोडिटीज की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और कमोडिटीज में भी अगर आप देखें क्रूड से संबंधित जो स्टॉक्स हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, भारतीय इंफ्राटेल आइडिया हिंडालको ये कुछ और स्टॉक्स जहां पर इस वक्त मजबूती है। कमजोरी कहां पर है? कमजोरी है गेल में करीब 0.5% नीचे, IT का दिग्गज टेक महिंद्रा इस वक्त लगभग 0.5% नीचे है, और LNT भी आज बैकफुट पे खड़ा है, तो LNT ने भी कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं दिया है आज।
वहीं अगर मिड कैप की बात करूं, मिड कैप में आज के कुछ सुपर स्टार्स कौन कौन से, आप देखिए, एक देखिए आप अदानी पावर, ये स्टॉक लगभग 2% ऊपर, अल कार्गो लॉजिस्टिक्स ये भी 2% ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को इनफैक्ट नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा इन स्टॉक्स पे, क्या ये अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। सेंचुरी प्लाई, आई थिंक जैसे कि हमने बात करी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट सेंचुरी प्लाई पर विजिबल है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना अमूमन ऐसी खबरों के बीच में होता है। फिर आप एक देखिए डीबी कॉप, इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एडवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये करीब 1.5% ऊपर। और आई थिंक एक ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को देखिए, करीब 4.5% ऊपर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, इसमें ज़्यादा तेजी है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, अगेन मैंने क्रूड की बात कर रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मूव है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी डिसेंट मूव है। टेक्निकली एक स्टॉक पर जिस पर बात करना चाहूँगा मैं, वह है जैकॉर्प, 75 पर 1.5% ऊपर, 1 रुपये की तेजी लेकर। मानस जैकॉर्प, आई मीन चार्टिकली मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और इतने अच्छे ब्रेकआउट के साथ कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसने क्लियर कट एक मैंडेट दिया कि हाँ 75 के ऊपर मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ होगी, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ होगी। कैसे चेज करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए मार्च से एक रेंज स्टॉक के लिए बन गई थी 74 हायर साइड पे और 66 लोअर साइड पे, और ये जो रेंज बनी थी ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर बनी थी। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है और वहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तब तो ये बिल्कुल डेफिनेट बाय रहेगा, जो मैं समझता हूँ कि उस केस में 90 रुपये तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है 74-50 के आसपास के लेवल्स को, अगर उसके ऊपर स्टॉक निकले और वहाँ पर ट्रेड करना शुरू हो और वॉल्यूम देखने को मिले, तो बिल्कुल वहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए और उस केस में स्टॉप लॉसेस 69 के नीचे रखने चाहिए। बिल्कुल, ये जो बैंकिंग स्टॉक्स जिन पर आज मुंह देखने को मिल रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब देखिए ये जो बैंकरप्सी बिल है, इससे गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा मीडियम टर्म में, तो वो बैंक्स को होगा, क्योंकि जो जो कंपनीज हैं जो कि बहुत सालों तक अपनी डेट को रिस्ट्रक्चर करते रहती हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट पर उसका बोझ बना रहता है, अब क्योंकि 180 दिनों के भीतर आप कोई भी जो लिक्विडेटेड कंपनी है उसे वाइंड अप कर सकेंगे, पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो इससे बैंक्स की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। बैंकिंग स्टॉक्स पर आज मानस ट्रेडिंग व्यू क्या है आपका? देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बैंकिंग ज़्यादा बेहतर लगता है कंपेयर टू पीएसयू बैंकिंग, और वहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी स्ट्रेंथ दिखती है। स्पेशली अगर आप कोटक बैंक के चार्ट देखिए तो एक रैली के बाद जब 300 रुपये से 700 रुपये के आसपास तक स्टॉक गया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक फॉलिंग चैनल बना और वहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे तो मैं तो समझता हूँ कि 900-920 तक के लेवल्स भी कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग करनी हो तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए, स्टॉप लॉसेस आपके 715 रुपये के नीचे होंगे और टारगेट 770 के नीचे रहेंगे, 770 के आसपास रहेंगे। दूसरा पीएसयू बैंकिंग में ध्यान देना है, बहुत सिलेक्टिव होकर चलना है। पहला जो बैंक जो मैं समझता हूँ पीएसयू बैंकिंग में बेहतर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल आया है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 165 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस 150 के नीचे लगाएं। वाकई हमने शायद ONGC को शायद उतना वक्त नहीं दिया जितना देना चाहिए था। 208 के स्तर पे इंडिकेटिव एक्शन में करीब करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन मैं जब चार्टिकली आता हूँ तो शायद मेरे को ये मैंडेट नहीं मिल रहा है चार्टिकली कि मैं इस पर बात करूँ, और खैर मिड सेशन में देखेंगे कहीं पर अगर अच्छा मूव देगा तो। और कुछ स्टॉक्स आई थिंक एज अ ट्रेडर अगर जो स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें आप देखिए एक 9190 पे प्रिज्म सीमेंट, सीमेंट फ्लेवर है, और जब मैं इसके चार्ट देखता हूँ ना तो आई मीन टेक्निकली मेरे को इस पर बात करने का मन कर रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि पैटर्न अच्छा है और इसने अपने आप को 90 के ऊपर जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ बाय जोन बाय ऑन डिप्स उस क्राइटेरिया में जाके प्लेस कर दिया है। मानस आप रिस्क लेंगे आई मीन 92 के प्राइस पर, छोटा स्टॉप लॉस मांग रहा है आपसे, स्टॉक चेस करना चाहिए स्टॉक को 5-7% के मूव के लिए? देखिए चार्ट का जो सेटअप है वो बेहतरीन है, अगर आप देखिए तो 60 रुपये से हायर टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं, पिछले दिनों स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पूरा सेक्टर इस टाइम फोकस में है, लाइमलाइट में है, ACC ग्रासिम जैसे स्टॉक चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं। तो अगर एक छोटे स्टॉक की बात करें और जहां पर आपको एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखे तो डेफिनेटली प्रिज्म सीमेंट रहेगा, वहां पर 86 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 99 और 100 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं प्रिज्म सीमेंट में।
बिल्कुल। चलिए अविनाश, इस बीच चलिए बाजार खुलने से पहले क्विकली आपका एक व्यू टेलीकॉम स्टॉक्स पर। भारती ने मुंबई में जो डेटा प्राइसेज हैं उसमें 30% की कटौती की है, और साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉल ड्रॉप्स को लेकर, टेलीकॉम स्टॉक्स पर मीडियम टर्म व्यू क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली कॉल ड्रॉप का जो इशू आया है वो डेफिनेटली एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो टेलीकॉम कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। रही बात भारती की, जिन्होंने 30% प्राइस रिडक्शन अनाउंस किया है, मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली रिलायंस जियो के एंट्री के पहले एक कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि वो मार्केट शेयर को गार्ड करे। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में शायद थोड़े से और यू नो कॉम्पिटिशन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो भारती एयरटेल है, और वाई पे मेरे ख्याल से निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। बाकी टेलीकॉम शेयर्स में मुझे लग रहा है कि कंपटीशन का इफेक्ट काफी नेगेटिवली यू नो प्ले आउट होगा। तो FY17 में आपको शायद आईडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये शेयर्स में बहुत भारी गिरावट प्रॉफिट में देख सकते हैं। एक स्टॉक और देख लेते हैं, बस चलते रहते हैं ओपनिंग आने से पहले, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1% ऊपर 845 आई थिंक अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। रखिएगा, खैर मैं ओपनिंग का इंतजार कर रहा हूँ। निफ्टी करीब 22 अंक ऊपर 787 पे इस वक्त फ्रीज हुआ है जाकर, लगभग SGX निफ्टी को तो आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी करीब 7871 पे खुला है और लगभग 1/4% की तेजी के साथ, और सेंसेक्स लगभग 25700 के स्तर पे लगभग 0.5% ऊपर खुला है। निफ्टी पर अभी तक आई थिंक टिक नहीं आया है, आई थिंक डेटा फेच नहीं हो पा रहा है। डेटा में अगर आप देखें कोई दिक्कत है, अदरवाइज जी वहां से डेटा नहीं आ रहा अभी, लेकिन टर्मिनल पर हो रहा है। तो करीब 31 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय, अब मेरा भी खुल गया 7879 पर। लेकिन ICICI बैंक देखिए 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.25% ऊपर, भारतीय एयरटेल 0.25% ऊपर है, एशियन पेंट्स नंबर्स के बाद 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, और ONGC आपने बात की थी ये करीब 0.25% ऊपर है। बाकी गेनर्स में आइडिया सेलुलर है, हिंडालको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती शुरुआती दौर में देखने को मिल रही है। वहीं अगर लैगार्ड्स को देखें आज की तेजी में, तो आज जी एंटरटेनमेंट थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा है, 0.5% नीचे है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, इंफोसिस और HDFC बैंक, ये अन्य काउंटर्स हैं जहां पर हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी हरे निशान में 7875 के आसपास, यानी 25 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मूविंग ऑन टू मिड कैप्स, मिड कैप्स में जहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर सबसे अच्छी बढ़त है। इसमें KN है जो कि 2% ऊपर है, निफ्टी मिड कैप 100 की बात कर रहा हूँ मैं, नेटको फार्मा है, अरविंद लिमिटेड है, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, IDBI बैंक, आज जस्ट डायल में भी बाइंग देखने को मिल रही है, साथ ही अदानी एंटरप्राइज, वोल्टास और IGL, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर शुरुआती दौर में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। yeah. इस बीच में एक बार तमाम प्लाई कंपनियों के स्टॉक्स को देखता हूँ। सेंचुरी प्लाई इस वक्त करीब 3.25% आई थिंक, अगर दो सेक्टर लेके चलने थे आज तो एक था बैंक बिकॉज ऑफ आई थिंक बैंक एफ बिल, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाई, दोनों ही स्टॉक्स खराब देखे 3.5% ऊपर सेंचुरी प्लाई। जरा ग्रीन प्लाई पे आइएगा एक बार, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है मैं देख नहीं पाया, आप उसे अगर आप देखें तो स्किप हो गया, ये आपकी स्क्रीन पर था देखिए 7% ऊपर 14 रुपये की तेजी लेकर, तो शानदार मूव यहाँ पर। और एक मंगलम टिम्बर को देखिए, काउंटर लगभग 20% ऊपर 21-30 के स्तर पर लग रहा है, सारी लकड़ी यहीं से जाएगी अगर आप देखें तो 21-30 के स्तर पर 20% ऊपर, तो शानदार रिस्पॉन्स आई थिंक खबर का यहाँ पर मिला है, शायद वो इंडिकेटिव एक्शन में नहीं था। और बैंक्स आई थिंक दो कड़ी हैं इस वक्त। मैं एक बार ये भी देखना चाहूँगा कि कैपिटल गुड्स क्या कर रहे हैं, एक बार प्लीज़ दिखाइए कैपिटल गुड्स, क्योंकि कल L&T की परफॉर्मेंस शानदार थी, BHL कल नहीं चल पाया, थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन L&T इस वक्त करीब 6 रुपये ऊपर खुला है। BHL अगर आप देखें साइडवेज है, स्लाइटली द पॉजिटिव बाइस, ABB बैकफुट पे करीब 2.25 रुपये ऊपर, और सीमेंस अगर आप देखें नीचे माफ कीजिएगा, सीमेंस 4 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, 1.5% की तेजी, तो अभी शांत है लेकिन स्थिर है। और इस बीच धीरे धीरे आप ये देखिए कि निफ्टी जो है वो अप्रोच कर रहा है 7900 को। तो अब इस ओपनिंग पे एक रिमार्क्स ले लेते हैं मानस के। मानस, आई थिंक सेटअप शुरुआत में अच्छा लग रहा है, पहले निफ्टी पे ही बात कर लेते हैं, अभी लॉन्ग है तो अब मैं क्या रख लूँ अपने जहन में, एक मेरे को टारगेट्स लेके चलने पड़ेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लेके चलने पड़ेंगे, वो क्या होंगे? और निफ्टी बैंक पर भी आकर पूछूंगा। देखिए अगर 2 से 3 दिन का पोजीशन है तो मैं अभी भी समझता हूँ कि 7775 के ही स्टॉप लॉसेज रखने चाहिए। जब निफ्टी 7900 के ऊपर जाए तब अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 7830 के आसपास कर लें। टारगेट जो मैंने पहले मेंशन किए वही रहेंगे 7990 के, जो कि पिछले दिनों निफ्टी ने हाई बनाए थे, इसलिए बिल्कुल बुलिश व्यू रहेगा। लेकिन अगर इंट्राडे कॉल लेना है तो इंट्राडे कॉल आपको 7900 के ऊपर लेना है, उस केस में स्टॉप लॉसेज करीब 7850 के नीचे रखें, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 7900 के ऊपर जाएगा तो इंट्राडे में ही हमें 7975 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, चलिए दूसरा बैंक निफ्टी की आपने बात की, देखिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड बिल्कुल क्लियरली
मानस चलिए एक बार आप गो हेड आप कंप्लीट कीजिए पहले। देखिए बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर पिक बैंक निफ्टी रहेगा। अगर करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाए तो 16,740 ये रहेगा स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 17,000-17,020 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आज देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं आउट परफॉर्मिंग। एक तो मंगलम टिम्बर, हमने खुलने पर ही इसकी बात की थी, ये अभी भी इनफैक्ट ये अपर फ्रीज पर है 20% ऊपर इस समय। बाकी जो प्लाई स्टॉक्स हैं उन पर भी काफ़ी अच्छा मुंह देखने को मिला है, तो ये एक स्पेस है जिस पर नज़र रख सकते हैं। यूनी प्लाई को देखिए, ये करीब 4.5% ऊपर है। ग्रीन प्लाई पर अच्छा मुंह, आर्किड प्लाई ये करीब 6.25% ऊपर। ये सारे काउंटर्स काफ़ी अच्छा मुंह देते हुए। इसके अलावा स्टोर वन रिटेल, ये काउंटर कॉन्स्टेंट अप मुंह दे रहा है, आज भी आप देखिए करीब 8.25% ऊपर। और एक काउंटर जहां पर लगातार आज दूसरे दिन अच्छा मुंह देखने को मिला है वो है मोनसेंटो। हमने कल आपको एक खबर बताई थी कि अच्छे मॉनसून के चलते जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन पर नज़र रखिएगा, वहाँ पर अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। मोनसेंटो आपकी स्क्रीन पर, कल बाजार खुलने से पहले हमने आपको सलाह दी थी मोनसेंटो खरीदने की और कल ये काउंटर ऑलमोस्ट 15% चला था और आज की तेज़ी इसमें आप जोड़ के देखिए, आज मोनसेंटो का काउंटर इस समय करीब 6% ऊपर, यानी दो दिनों के भीतर ऑलमोस्ट 20-21% का मूव मोनसेंटो पर देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर। और साथ ही प्लाई स्टॉक्स जिसकी हमने बात की, अविनाश एक तो मोनसेंटो, इस पर आपकी राय क्या है? पिछले दो दिनों में ऑलमोस्ट 21% ऊपर है एंड ऑब्वियसली द प्लाई स्टॉक्स जिस पर आज अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूँ कि मोनसेंटो में डेफिनेटली ये मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आई थिंक रिसेंटली जिस प्रकार का फोरकास्ट क्लाइमेट ने किया है, उन्होंने कहा है कि 20 दिन में मानसून्स का पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली मोनसेंटो एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है जो कॉटन सीड्स और बीटी कॉटन सीड्स में ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पहला राउंड है जब मानसून्स का इफेक्ट प्ले आउट हो रहा है। अगर यू नो प्लाईवुड कंपनीज की बात करें तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ग्रीन प्लाई और सेंचुरी प्लाई ये दो ऐसे काउंटर्स है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगे क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी बैलेंस शीट्स भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्लियरली एक प्रोटेक्शन है और होपफुली अगर रियल एस्टेट मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी थोड़ी सी री रेटिंग और पॉसिबल लग रही है। और कुछ स्टॉक्स आई थिंक मैं कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा था अब तक, तो अगर आप देखिए ट्रेड मिला नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स को देखते हैं। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज करीब 6% ऊपर है, वॉल्यूम्स अट्रैक्ट अपनी तरफ जो काउंट कर, एक सेंटेक रियलिटी को देखिए करीब 3.5% ऊपर, हालांकि वॉल्यूम्स बहुत कम है इस स्टॉक में। और करीब करीब ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में 2 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, अब अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में स्टॉक ऊपर है। और कुछ स्टॉक्स में वॉल्यूम्स, राणा शुगर्स को देखिए 7 रुपये के स्तर पर करीब 2.25 लाख शुरू के कारोबार, डायमंड पावर आज भी एक्टिव करीब 4.25 लाख शुरू के कारोबार के बीच में करीब 59.45 पे कारोबार कर रहा है। और अगर आप देखें जो स्टॉक्स वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर आलोक इंडस्ट्रीज 4 रुपये के स्तर पर, खैर इसे स्टॉक को स्किप करते हैं। जैब कॉर को देखिए 75.70 पे करीब 2.25% ऊपर। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 75 का क्लस्टर है ना, ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ विद कन्विक्शन पार कर रहा है। तो अभी इनफैक्ट कुछ देर पहले मैंने बात करी ही थी मानस से इस स्टॉक पे। और अगर आप देखें कहीं अच्छे वॉल्यूम्स हैं, होता माँ की पीपीएल अगर स्टॉक को भी देखिए, यहाँ पर भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स और अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में करीब 284 पे। हालांकि याद रखिए ये स्टॉक खुला बहुत स्ट्रॉन्ग, आई थिंक जरा होता माँ की पीपीएल पे काउंटर खुला बहुत स्ट्रॉन्ग, ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 310 की ट्रेजेक्ट्री में और उसके बाद 283 पर, तो एक ऑलमोस्ट रिवर्सल इसने लिया है। और देखिए क्योंकि इसने रिवर्सल लिया है, स्ट्रॉन्ग खुल के नीचे आ गया, ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि निकल जाए कि नहीं निकल जाए। क्यों? क्योंकि कल ये स्टॉक 238 सीधा 280 गया था। मानस एक बार निकल जाए इस स्टॉक से? माफ करिएगा, मैं स्टॉक ट्रैक नहीं करता, तो उस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ओके अविनाश आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि वीरेंद्र कल की उछाल का रीज़न डेफिनेटली इस बात का था कि कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट ये एक MNC कंपनी है, पहले पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। मुझे लग रहा है कि ये मूव में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है, लेकिन FY17 में होपफुली अगर FMCG सेक्टर से बढ़त आती है तो इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 60-65% है और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में ये बहुत बढ़िया यू नो प्ले है। मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज टॉप लाइन ग्रोथ अगर ठीक ठाक FY17 में आता है तो मेरे ख्याल से और भी ऊपरी लेवल्स पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बिकवाली आ सकती है क्योंकि शेयर काफी जोर से भागा है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल
चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अपोलो के जो नंबर्स थे उसका इम्पैक्ट सारे ही टायर स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए अपोलो टायर्स खुद करीब 1.5% नीचे है, MRF को देखिए ये करीब 0.5% नीचे, और जो बाकी टायर स्टॉक्स हैं उसमें भी कोई खास वॉल्यूम बैक बाइंग इस समय एटलीस्ट देखने को नहीं मिल रही है। दीपेन सेठ हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं HDFC सिक्योरिटीज के, उनसे बात करते हैं। दीपेन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप, क्या यहाँ पर हर गिरावट में खरीदारी का मौका है या फिर थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली जो दो ट्रिगर्स मार्केट के सामने पिछले दो दिनों में आए, एक तो मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी एंड सेकेंडली बैंकरप्सी बिल का पास होना। तो जिनको बुरा देखना है उनको बुरा दिखेगा और जिनको अच्छा देखना है उनको अच्छा दिखेगा। अपना एक अपने देश की आर्थिक सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो विश्व भर में ये अकेला देश है जो $2 trillion जितनी बड़ी इकोनॉमी है, 7% से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखा रही है। एक बैकडोर, मैं तो कहूँगा परसिस्टेंट बैकडोर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स चल रहा था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उसको पार्टली प्लग किया है और एक ऑर्डरली वे में प्लग किया है। आप और हम अगर शेयर्स खरीदते हैं तो हमको अपनी ही मार्केट में कैपिटल गेन्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और मॉरिशस वालों को नहीं लगता है, तो ये राउंड ट्रिपिंग के लिए इनकरेजमेंट था। तो वो धीरे धीरे फेज आउट होगा, आज से फेज आउट हो जाएगा या कल से हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, ऑर्डरली वे में फेज आउट करने का मौका दिया है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है, पहली बात। दूसरा कि बैंकरप्सी बिल पास हो गया है, उससे बैंकरप्सी स्पीड अप हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा हर्डल था और आज भी है। मुझे पता नहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे चलेगा अपने देश में, लेकिन अगर हम लोग विश्व भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर 130, 132, 135 जैसी रैंक पर हैं तो इसके पीछे बैंकरप्सी रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो डिलेज आते हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो मुझे लगता है ये दोनों जो डेवलपमेंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं दोनों से मार्केट में स्ट्रक्चरल पॉजिटिव ही दिखता है, कहीं पर कोई बुराई नहीं दिखती है। लेकिन एग्जैक्टली दीपन जी ये जानना चाहता हूँ आपसे, बैंकरप्सी बिल की आपने बात करी, उसको सराहा भी, उसका पास होना, लेकिन बैंक्स अब यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं? कल भी इनफैक्ट हम ये बात यही कर रहे थे कि Q3 के रिजल्ट्स पे जो प्राइस एक्शन स्ट्रीट का था उससे कहीं बेहतर इस बार एक्शन है। इंस्टेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 147 के लो के अगेंस्ट स्टॉक आज 186 पर है। क्या वर्स्ट इज ओवर एज फार एज बैंक इज कंसर्न एंड स्पेशली प्राइस वाइज वर्स्ट इज ओवर? और आप अपने क्लाइंट्स को या फिर वो क्लाइंट्स जो कि लॉन्ग टर्म पे बैठते हैं, साल दो साल तीन साल किसी भी स्टॉक पे राइड करते हैं, बैंक्स और PSU बैंक्स इक्विपमेंट करवा रहे हैं क्या? दीपन जी नजदीक के जोन्स को होल्ड कर रहा है। आप अभी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? आई थिंक शुरुआती आधे घंटे में ट्रेड इंडेक्स पे या फिर किसी स्टॉक पे? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें या इंडेक्स की बात करें तो नो डाउट कि स्ट्रेटजी तो अब बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। कल का जो मॉर्निंग सत्र में जो हमने देखा था कि वी ओपन विद अ गैप डाउन, बट लेटर हाफ जो जो रिकवरी हमने देखी वो यही दर्शाती है कि मौजूदा जो स्तर है, वो जो बुल है, वो इस समय स्ट्रॉन्गर हैंड्स में है। रेंज जैसे मैं, मुझे लगता है कि अब 7720 7740 नीचे में और ऊपर में एक बार 7920 से 7940 तक की रेंज रहेगी। दर्शाता तो यही है कि एक बार हम आने वाले दिनों में, हो सकता है कि दो तीन ट्रेडिंग सेशन में एक बार 7920 से 7940 को टच करने की कोशिश करें, और अगर एक बार हम सस्टेन हो गए तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो लग रहा है कि बार बार हम 8000 को टच करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से हम फिसल जाते हैं, इस बार जो रहेगा वो बुल स्ट्रांग रहेगा और इस बार हम 8000 के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए मानस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अब ये जो बैंकरप्सी कोर्ट की दीपेन आपने बात की, नाउ इन दैट व्यू, क्योंकि आज बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है एंड इनफैक्ट जिन बैंक्स को रिलीफ मिलने की उम्मीद है उसे आप देखिए, वहाँ पर संकेत भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली द प्राइवेट स्पेस। आप ICICI बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक को देखिए, इन सब पर आपका व्यू क्या है इस समय?
देखिए बैंकरप्सी बिल पास होने से बैंकरप्सी रेजोल्यूशन फास्टर हो जाएगा, ये थियोरी है. अभी तक तो ये थियोरी भी नहीं थी, अब ये थियोरी आने के बाद क्या सचमुच बैंकरप्सी रेजोल्यूशन एक्सेलरेट हो सकता है या नहीं, ये देखने की बात है. लेकिन हाँ, सेंटिमेंटली इसके पास होने से आसार अच्छे हैं और ये उम्मीद ज़रूर बनाई जा सकती है कि बैंकरप्सी रेजोल्यूशन फास्ट हो जाएगा. एंड देयरफॉर जिन बैंक्स में स्ट्रेस आज के दिन दिख रहा है, पर्टिकुलरली कॉरपोरेट स्ट्रेस जहाँ पर दिख रहा है, खास करके ICICI बैंक, एक्सिस बैंक का भी नाम लिया जा सकता है यहाँ पर, तो इनको फ़ायदा होगा. PSU बैंक्स में भी फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फ़ायदा होगा. जो कॉरपोरेट सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर्स जिनके हैं, वेदर बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, स्टेट बैंक देखिए, तो मेरे ख्याल से इन सबको फ़ायदा होना चाहिए. लेकिन ये बिल कैसे एक्चुअली लॉ में इम्प्लीमेंट होगा और नेक्स्ट 6-12 महीनों में क्या दिखता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है. इस बीच में कल कोटक बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल में हमने सुना कि कहना तो बहुत आसान है, लेकिन रेजोल्यूशन कैसे होगा, कितना समय लगेगा, और उस समय, क्योंकि पैसे का दाम समय के हिसाब से चलता है, तो काम तो मुश्किल है. इस बीच आप देखिए एशियन पेंट्स 927 पे 20 रुपए ऊपर कल नंबर्स के बाद, अब 928 पे अपने ट्रेडिंग करियर के सबसे सर्वोच्च स्तर पे है एशियन पेंट्स एट ऑल टाइम हाई. दूसरा स्टॉक यस बैंक 963 पर अगर आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है तो याद रखिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है तो याद रखिए, नाउ इट्स एट ऑल टाइम हाई. तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक, कल इसके भी नंबर्स थे, स्ट्रीट को मोर लेस अगर आप देखें नंबर्स पसंद ही आए हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई से सिर्फ 6 रुपए और अब सिर्फ 5 रुपए दूर है. इसका ऑल टाइम हाई है 744 रुपए. तो इंडेक्स में शुमार बहुत सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं. ब्रिजेश, इनमें से कोई स्टॉक, तीन चार स्टॉक्स का जिक्र मैंने किया, फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट्स, ऑल टाइम हाई कैंडिडेट्स, 52 वीक हाई कैंडिडेट्स, जिसको आप चेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं? देखिए वीरेंद्र, जनरली ट्रेडिंग फंडा तो यही कहता है कि जब कभी भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस करके विद नाइस वॉल्यूम सस्टेन करता है, तो मोटा मोटा एक 4% से लेके एक 8% की रैली उसमें देखने को मिलती है. और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न जो दर्शा रहे हैं, चाहे वो यस बैंक का हो, चाहे वो एशियन पेंट का हो, नो डाउट एशियन पेंट नीचे में इट वॉज बीन ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज समवेयर अराउंड 895-905 वॉट लेवल ऑन द हायर साइड. अप डाउन साइड इट वॉज समवेयर अराउंड 820-830. आज जो कल का जो नतीजा जो आया है, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, वो तो यही दर्शाता है कि अब फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. एंड सस्टेनिंग अबाउट 928 विट इंडिकेट्स दैट कि आने वाले दिनों में आपको एक 970 से लेकर 975 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे. रही बात यस बैंक की भी कहें, जब रिजल्ट आया था उस टाइम से जो उसमें जो एक्टिविटी देखने को मिली है, वो भी यही दर्शाती है कि आने वाले दिनों में आपको 1000-1020 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे. नीचे में लगभग 910 से 920 का अच्छा सपोर्ट है. तो ये दोनों ही काउंटर मौजूद सर के हिसाब से तो लग रहे हैं कि ये इसमें पोटेंशियल बाकी है और ट्रेडर्स को बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए. दीपेन, जो एक दूसरा पहलू है इस मार्केट का, वो है द अर्निंग सीजन. अर्निंग सीजन के बाद, मतलब अब तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि कुछ एक बड़े नतीजे आना बाकी भी है, बट सो फार व्हाट वी हैव सीन, एक तो उससे आपको अर्निंग सीजन कैसी लगी, और दूसरा क्या आपने कुछ ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में पोस्ट द नंबर्स? तो हम लोग एडवाइजर्स हैं, हम लोग मनी मैनेजर्स नहीं हैं. सर मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको, सर मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा. 7900 का लेवल, 7900 का लेवल निफ्टी ने छू दिया है. तो देखिए करीब करीब 50 अंकों पर अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पर 7900 पर निफ्टी पहुंच चुका है. तो एक ये देखिए, मैं इस पे इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये नंबर ऐसा है जो कि साइकोलॉजिकली एक प्रेशर डालेगा शॉर्ट होल्डर पे, जो कल के इवेंट के बाद एक आई थिंक शॉर्ट के बारे में सोच रहा था, या फिर शॉर्ट पे बैठा हुआ था, या फिर शॉर्ट पे कैपिटलाइज करने की सोच रहा था, उसके लिए एटलीस्ट ये एक प्रेशर जोन है. उसके लिए साइकोलॉजी 7900 से लेकर 7910 ये एक स्टॉप लॉस जोन था. निफ्टी बैंक को भी दिखाइएगा प्लीज एक बार. निफ्टी बैंक एग्जैक्टली अगर आप देखें सबसे मजबूत कड़ी, और निफ्टी बैंक अब इस वक्त 17000 को अप्रोच करता हुआ सिर्फ 86 अंकों का अंतर यहां पर है. तो दोनों ही इंडेसेस क्रिटिकल लेवल पर निफ्टी की हाफ सेंचुरी इस वक्त. दीपन जी प्लीज बात पूरी करिए अपने. जी, तो हमारा ये मानना है कि इस रिजल्ट सीजन में जितना बुरा एंटिसिपेटेड था स्लोडाउन, वैसा कोई स्लोडाउन उससे बहुत बुरा तो दिखा नहीं है. बल्कि कई सारी कंपनीज है जहां पर टर्नअराउंड और साइक्लिकल टेलविंड्स ऑलरेडी दिखनी चालू हो गई हैं.
तो हम लोग पहले भी कंस्ट्रक्टिव थे इंडिया पर, और इस रिजल्ट सीजन के बाद, हालांकि एक रिजल्ट सीजन के बेसिस पर और वो भी बैकवर्ड लुकिंग इवेंट है ये, तो हमारी फॉरवर्ड थीसिस इफ एनीथिंग और भी बेहतरीन हो गई और भी स्ट्रांग हो गई है कि भाई अपने देश में ग्रोथ आनी है, अपने देश में ग्रोथ रिवाइव होनी है, और नेक्स्ट 2 या 3 साल हमारी आर्थिक सिचुएशन के लिए बहुत अच्छे हैं, और उसके बलबूते पर स्टॉक मार्केट में सस्टेनेबल रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप रिजल्ट सीजन को देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई बहुत डिजास्ट्रस नंबर्स कहीं से भी अभी तक नहीं निकले हैं, जबकि सब लोग डरे हुए थे कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेस है, तो पता था स्ट्रेस आना है, आईसीआईसीआई बैंक में या एक्सिस बैंक में स्ट्रेस आना है, वो आ चुका है, कुछ एक पीएसयू बैंक्स अभी आनी है तो आ जाएंगी, लेकिन आप दूसरी तरफ से फाइनेंशियल्स में देखिए कि जो लोग रूरल इंडिया में लेंड करते हैं उनके लिए सिचुएशन कितनी सुधर रही है अगर मॉनसून अच्छा रहेगा, तो चोलामंडलम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स, महिंद्रा फाइनेंस जैसे स्टॉक्स ऑलरेडी दौड़ चुके हैं, छोटी बैंकों में भी अच्छी खासी मूवमेंट आ चुकी है, फेडरल बैंक में अब लग रहा है कि बहुत महीनों के बाद क्वार्टर्स की डिसअपॉइंटमेंट के बाद यहां पर एक बॉटमिंग आउट हो गई है एसेट क्वालिटी की, और यहां से रिवाइवल का स्कोप है, और बहुत ही चीप वैल्यूएशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट सीजन से कोई क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन हाँ, हमने सोचा था उतना बुरा नहीं है और हम लोग कंस्ट्रक्टिव थे, कंस्ट्रक्टिव हैं। इस बीच निफ्टी देखिए 7905 पे, तो झटके से अगर आप देखें 5-7 अंकों का फ्रैक्शन इसने और मेंटेन कर लिया है, लेकिन वाकई आज जिस प्रकार के मिहिर स्टॉक्स आकर अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं निफ्टी की इस तेजी में, उनकी क्वालिटी देखकर, क्वांटम देख के अगर आप देखें, बड़ा अच्छा लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पूरा निजी बैंकों का स्पेस। याद रखिए डेरिवेटिव्स में, वायदा कारोबार में सबसे ज़्यादा दाव प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स पे लगा है। ब्रजेश, मैं आपके सामने अगर आप देखें कुछ स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स रखे, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, टीसीएस, आप जरा प्लीज़ एक बार मिड कैप की गिनर्स दिखाइए। अगर कोई हमारा व्यूअर इन स्टॉक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो जरा मिड कैप गिनर्स पे भी आ जाते हैं, वो भी चॉइस मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। जरा प्लीज़ मिड कैप गिनर्स आइए। इंडियाबुल्स रियल, चेन्नई पेट्रो, महा अगर आप देखें एग्रेसिव स्टॉक, आईजीएल, गोदरेज कंज्यूमर, सेकंड स्लाइड पे आइए, आईडीबीआई बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, एडुकॉम्प, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, यानी पूरा का पूरा मिड कैप बैंकिंग स्पेस, वोल्टास, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कभी भी स्ट्रेंथ वाले जोन में आ जाता है। आपके सामने मैंने पूरा का पूरा एक फ्लेवर रख दिया है तेजी का, इसमें से क्या पिक करेंगे अब आप? देखिए, जैसे कि आपने कहा कुछ चुनिंदा शेयर्स के बारे में, जैसे BEML की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इट्स लुकिंग वेरी वेरी फैंटास्टिक, समवेयर अराउंड 920 के आसपास, 922 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है। कोई डिप आता है 910 से 915 के बीच में आता है तो बाइंग कर सकते हैं, विथ कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 885, वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 990 फॉलोड बाई 1050 इन 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन। अरविंद मिल की बात करूं, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक ऑन द चार्ट, अराउंड 295-297 के आसपास में आता है तो बाइंग कर सकते हैं, विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 282 फॉर द टारगेट ऑफ 325 फॉलोड बाय 330 ऑड लेवल। बैंक की बात करूं तो फेडरल बैंक चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है, समवेयर अराउंड 48-49 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो कोई विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 45 वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 54 फॉलोड बाय 58। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं। इवन ICICI बैंक इज लुकिंग प्रॉमिसिंग ऑन द चार्ट, समवेयर अराउंड 229 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, वी कैन लुक फॉर अ बाइंग साइड समवेयर अराउंड 225 विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 215 लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 255 अगेन। सो इट लुक लाइक कि इस बार का मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा 8000 दूर नहीं है, जैसे बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं कि 8000 दूर नहीं है क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल। एक और स्टॉक ब्रिजेश जिस पर आपकी राय चाहेंगे वो है स्टोर वन रिटेल। कंसिस्टेंटली अपमूव में है ये काउंटर, आपने ट्रैक किया है, क्या व्यू है आपका? देखिए, अगर हम कोरोमंडल की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट डेली एज वेल एज वीकली चार्ट इज बीन ट्रेडिंग इन अ हायर लोस फॉर्मेशन, समवेयर अराउंड 232 आसपास इट्स बीन ट्रेडिंग। It look like the potential has been on the higher side. So we would be able to cross this 232 on a higher side, and on upper side we might touch somewhere on 265 odd level.
दीपक जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आई मीन अभी आपने कुछ स्टॉक्स के जब नाम लिए ना, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया कि चलिए आप स्टॉक स्पेसिफिक बात भी करेंगे। मिड कैप में कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ कंपनियाँ जो कि इस अर्निंग सीजन में आपको बहुत आई मीन सरप्राइज करके गई हूँ कि वाह क्या नतीजे थे यार, ऐसी तो उम्मीद ही नहीं थी, इस सेक्टर में ऐसा भी हो सकता था। कुछ ऐसे सर इन्वेस्टमेंट थीम और ट्रेडिंग थीम आपके जहन में आती है जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप शेयर करेंगे हमसे? तो जिसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी हाई कैपेबिलिटी बिजनेसेस, जहाँ पर आप बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं, कई बार आपको मैक्रो टेलविंड्स भी पीछे से मिलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी चोला फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस का जिक्र किया, तो चोला फाइनेंस में बिजनेस ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली विजिबल लगा इस क्वार्टर में, डिसबर्सल ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में, ऑपरेटिंग मेट्रिक्स इंप्रूव हुए, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, 190-192 करोड़ जैसा प्रॉफिट आया। और हमें लगता है ये कंपनी नेक्स्ट दो सालों में शायद FY18 में 950,000 करोड़ की रेंज में प्रॉफिट्स कमा सकती है ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। वैल्यूएशंस महंगे हैं, 3x प्लस से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस आएगी, उसके बेसिस पर स्टॉक स्ट्रांग रहेगा। दूसरी कंपनी जो हमको बहुत अच्छी लगती है वो ओरिएंट सीमेंट है। ओरिएंट सीमेंट के पास 5 मिलियन टन कैपेसिटी है, 3 मिलियन टन ऐड कर दिया है, वहाँ से अभी प्रोडक्शन चालू हो चुका है और कॉस्ट लीडर है ये। मेरे ख्याल से श्री सीमेंट के बाद अगर किसी के सबसे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हो पर टन बेसिस पर अगर सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं तो वो ओरिएंट के हैं। और याद रखिए कि ये लो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स सिर्फ 40% पेटकोक डिपेंडेंस से आते हैं, और अब पेटकोक के दाम बढ़ रहे हैं तो सबसे कम जो है एडवर्स इम्पैक्ट ओरिएंट सीमेंट की कॉस्टिंग पर पड़ेगा। यहाँ भी कुछ $80 पर टन जैसी वैल्यूएशंस पर अभी चल रहा है ओरिएंट सीमेंट, तो बहुत ही खूबसूरत स्टॉक लगता है हमको। यहाँ से आप श्री या अल्ट्राटेक को देखेंगे, $200 की रेंज में वैल्यूएशन दिखती है या $80 की वैल्यूएशन में मिलता है, तो डेफिनेटली इसको भी देखना चाहिए। इस बीच आप देखिए और कुछ स्टॉक्स जो कि अपनी तरफ वॉल्यूम्स खींच रहे हैं, और शुगर आज भी वाइब्रेंट है, नो डाउट। शुगर में अगर आप देखें आज भी तेजी बनी हुई है, और अगर आप देखें प्रिज्म सीमेंट है, पेनिनसुला लैंड, ये कुछ छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में जो कि मूव दे रहे हैं। और इसके बाद टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में और कुछ काउंटर जो स्ट्राइक कर रहे हैं, आधुनिक मेटल्स, यहाँ पर एक छोटा स्टॉक 8-9 रुपये का स्टॉक है जो वॉल्यूम खींच रहा है, मोनसेंटो इंडिया करीब 200 रुपये ऊपर है। और अगर आप देखें RSWM, ये भी काउंटर लगभग 8% ऊपर है। डोनियर इंडस्ट्रीज 30 रुपये के स्तर पे ये वॉल्यूम्स खींच रहा है अपनी तरफ, तो छोटे स्टॉक्स में एक्टिविटी है। यहाँ पर एक आप देखिए सतलुज टेक्सटाइल्स, ये करीब 50 रुपये ऊपर 84,000 शुरू के कारोबार के बीच में, जिसने अगर आप देखें आई थिंक इस चीज़ के स्टॉक के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये अपने ट्रेडिंग करियर के ऑलमोस्ट हाईएस्ट जोन पर आ चुका है। मतलब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस स्टॉक पर कि जो मेरे मंथली चार्ट हैं स्क्रीन पर, इससे पहले की जो कैंडल थी वो थी मंथली चार्ट पे, यानी इससे पिछला महीना इसके ट्रेडिंग करियर का जब ये इस जोन में था वो था अगस्त 2015। तो अगस्त 2015 के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब जाके स्टॉक ने फिर उस ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लिया है। इस पर आपकी राय क्या होगी ब्रजेश, इसको कैसे अप्रोच करेंगे चार्ट को आप? देखिए अगर हम सजलेट की अगर हम बात करें तो इट्स जो अपर ट्रेंड लाइन है इट्स बिन रेडी एज ऑलरेडी बिन क्रॉस। पिछला जो हाई था वो समवेयर अराउंड 577-579 के आसपास था। द स्टॉक इट्स बिन हैविंग अ नाइस सपोर्ट समवेयर अराउंड 545-540 odd लेवल, एंड विद लुकिंग दिस थिंग इट इंडिकेट्स दैट कि एक बार ये लेवल को क्रॉस करके जो इसका जो ऑल टाइम हाई है समवेयर अराउंड 620-623 के आसपास है, वो शायद वो लेवल को आने वाले दिनों में टच करने की कोशिश करेगा। मोमेंटम स्ट्रांग है, बरकरार है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करने की सलाह रह सकती है इसमें। बिल्कुल, चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिल रहा है। दीपेन, आप UPL या फिर नवीन फ्लोराइन इस तरह के काउंटर्स पर क्या व्यू रखते हैं? बिकॉज यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंसी देखने को मिली है, एंड एटलीस्ट अगर आप फंडामेंटल व्यू लें इन स्टॉक्स पर तो जो इनके फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं उससे लेकर फंड मैनेजर्स काफ़ी आश्वस्त नज़र आते हैं, आपका क्या व्यू है? तो आप लास्ट 3 या 4 साल की परफॉर्मेंस अगर UPL को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कंपनी स्टेडी कंपाउंडर है, बहुत ही हाईली केपेबल मैनेजमेंट है, ग्लोबल फुटप्रिंट है बिजनेस का, कई सारे देशों में ऑलरेडी था, इंडिया में भी सेल्स है, यूके में, यूरोप में भी अच्छी फुटप्रिंट थी, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने साउथ अमेरिका में पर्टिकुलरली ब्राज़ील में अपना बिजनेस बिल्ड आउट किया। और इस कंपनी के पास
जो हमें तब लग रहा था कि शायद वो बहुत ही चैलेंजिंग मार्केट होगी, करेंसी फ्लक्चुएशंस वहाँ पर हुए थे, लेकिन इस कंपनी ने लास्ट 3 या 4 सालों तक 20% आरओई पर स्टेडिली बिजनेस को कंपाउंड किया है, जितना कमाता है रीइन्वेस्ट करता है और बिजनेस को और बड़ा करता है। तो नए प्रोडक्ट्स लाया है, नई नेटवर्क बिल्ड आउट की है ब्राज़ील में, ब्रांडिंग के बेनिफिट्स मिले हैं, वर्किंग कैपिटल को टाइटन किया है, और आज भी FY18 के बेसिस पर 14-15 एक्स पर मिल रहा है। हमारा टारगेट प्राइस 625 रुपये का है, लेकिन यहाँ क्योंकि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो एक साल के अंदर अंदर फिर से अपग्रेड होने की पूरी गुंजाइश है, अगर स्केल पर इस परफॉर्मेंस को वो सस्टेन कर सकता है तो अभी तक आसार है कि सस्टेन करेगा। चलिए, जहाँ तक नवीन फ्लोरिन का सवाल है तो ये कंपनी ऑलरेडी एक स्पेशलिटी एरिया में थी। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। सॉरी, राइट। सो नवीन फ्लोरिन ऑलरेडी एक स्पेशलिटी एरिया में थी, जिसको हम लोग फ्लोरोकेमिकल्स कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उसने फर्दर क्रैम्स में स्पेशलाइज किया और विदेशी कस्टमर्स के लिए फ्लोरोकेमिकल्स में जो हाईली स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं जो कि फार्मा में या पेस्टिसाइड्स में जाते हैं, पर्टिकुलरली फार्मा में, उसके लिए एक नई कैपेसिटी एमपी में दिवास में लगाई थी, और अब उस कैपेसिटी के नतीजे उसके नंबर्स में दिख रहे हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी में इस क्रैम्स बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और अभी तो यहाँ से शुरुआत है, तो अभी वहाँ पर रैंप अप बाकी है, और प्लस एक नया JV उन्होंने पिरामल्स के साथ किया है, वहाँ से भी रैंप अप आएगा। तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस में ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है प्रॉफिट्स में, और 2 साल तक ये ग्रोथ चलेगी, और आज भी 15x वैल्यूएशन पर है, तो इतनी कोई महंगी नहीं है। इंटरेस्टिंग मूव। इस बीच देखिए, मिड कैप 100 को अगर आप देखेंगे, इसमें कुछ एक स्टॉक्स जिस पर इस समय इंटरेस्टिंग मूव है, इसमें सन फार्मा एडवांस्ड है, ये करीब 4.5% ऊपर है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस करीब 3.5% ऊपर है। वक्रांगी इस काउंटर पर 2.5% का मूव है। अरविंद लिमिटेड, IGL, अदानी एंटरप्राइज और बजाज फिनसर्व, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर इंटरेस्टिंग मूव है। साथ ही टाटा एलेक्सा, कॉनकॉर और गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये काउंटर्स करीब 1.5 से 2% का आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। वक्रांगी और सन फार्मा, इन दोनों पर ब्रिजेश क्या व्यू है आपका? देखिए, सन फार्मा एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट इट हैज मेड अ बेस समवेयर अराउंड 275-278। पोटेंशियल तो ये है कि एक बार 310 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो इट कैन गो ऑल द वे टू 330 ऑड लेवल, पर मुझे लगता है कि 310 एक अचीवेबल जोन एक है, वहाँ थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिलेगी, एंड वहाँ से अगर सस्टेन किया विद नाइस वॉल्यूम देन इट कैन गो टू द लेवल ऑफ 330 ऑड। दूसरा आपने कहा वक्रांजी, मीर जी वक्रांजी, वक्रांगी वक्रांगी, या ओके सी वक्रांजी की अगर मैं चार्ट को देखता हूं तो आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन दिस चार्ट, बिकॉज समवेयर अराउंड 197-202 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, सो आई वुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस काउंटर। बेटर है अगर आपको प्ले करना ही है अगर मिड कैप में IT में, तो पोलारिस लुक गुड ऑन द चार्ट, इट हैज अ पोटेंशियल गोइंग ऑल द वे टू अगेन टू 220-225, तो वो बेटर लगेगा कंपेरेटिवली वक्रांजी से। चलिए, इस बीच निफ्टी अगर आप देखिए 62 अंक ऊपर, डे हाई पर तरस गई, अगर आप देखें आके 8000 के दीदार के लिए, दर्शन के लिए, अब तो आ ही जाओ 8000 कम से कम, 7910 के आज नहीं तो कल आ जाओ, शुक्रवार का दिन आपके पास है। और इस बीच में थोड़ा सा इनफैक्ट FNO का डेटा भी देख लेता हूँ, एग्जैक्टली डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है, उसमें कुछ दिनों डेटा को मैच्योर होने दीजिए, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। लेकिन एक स्टॉक आई थिंक जो कि अब पिछले 5-7 मिनटों में, मैं FNO का डेटा बताऊंगा आपको, लेकिन 5-7 मिनटों में जिसने ओवरटेक किया है रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स को, जो अच्छा मूव दे रहा है, उसमें आप देखिए अब टाटा मोटर्स अलॉन्ग विद टाटा मोटर्स DVR, ये देखिए 5 रुपये ऊपर 385 के स्तर पर। मैं टाटा मोटर्स DVR और टाटा मोटर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं तो एक ऐसे स्टॉक को फोकस करिए जो कि स्ट्रॉन्ग था लेकिन पिछले 4-5 दिन में गिरा था। ये देखिए 280 से 420 और 420 से फिर 380 तक का रिट्रेसमेंट और 380 से आज भाग रहा है। तो आई थिंक पुल बैक ट्रेड जब हम कोई इनिशिएट करते हैं तो ऐसा ट्रेड ढूंढा कीजिए। ब्रिजेश, इस पर आपकी राय, टाटा मोटर्स DVR और टाटा मोटर्स दोनों में से ज़्यादा फ्रूटफुल कौन सा लग रहा है आपको?
टाटा मोटर ज़्यादा बेटर लग रहा है वीरेन जी एज कम्पेयर टू टाटा मोटर डीवीआर. आई वुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम टाटा मोटर डीवीआर. टाटा मोटर नो डाउट जैसे आपने कहा समवेयर अराउंड इमीडिएट बेसिस पे 375-378 का एक अच्छा एक सपोर्ट एक है वहाँ से उछाल देखने को मिला है. पोटेंशियल तो लगता है एक बार 400-402 तक के लेवल आपको दिखा देगा एक या आज देखने को मिल जाए या कल देखने को मिल जाए. तो चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर इज मच मोर बेटर देन टाटा मोटर डीवीआर. जहाँ चलिए इस बीच बाजार में अच्छी खासी तेजी है और दिग्गज एक्सपर्ट्स इनफैक्ट कल राकेश झुंझुनवा से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि बाजार में तेजी अच्छी रहेगी. एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है एफआईज को और घरेलू इन्वेस्टर्स को. साथ ही साथ कल हमने रिलायंस कैपिटल के मधु केला से भी खास बातचीत की. आइए देखते हैं बाजार की इस तेजी को लेकर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को लेकर कौन से सेक्टर डिलीवर करेंगे इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं. इंडिया का एक पोटेंशियल है ना, जहाँ जहाँ पे रोड ब्लॉक्स थे तो देखिए रोड सेक्टर में कितनी सारी चीजें अटकी हुई थी 3 साल के पहले. अभी अपन देख रहे हैं कि ये सरकार ने आके काफ़ी सारा क्लीनअप कर दिया इन रेगुलेशन ऑल्सो. कोल सेक्टर में प्रोडक्शन अटका हुआ था बिकॉज इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं मिल रही थी. तो ये सब चीज़ों को लेके वो लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं. अभी सबको लगता है जीएसटी पास नहीं हुआ. अरे ये कंट्री बिना जीएसटी के भी 60-65 साल से चल ही रहा है ना. एंड मुझे लगता है कि वो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि सरकार के पास 285 सीट्स होके भी ये काफ़ी सारे रेगुलेशन जो 2 साल पहले पास हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं. पर मुझे लगता है वो राइट डायरेक्शन में है. लास्ट पार्लियामेंट सेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और अगर ये बैंकरप्सी कोड भी क्लियर हो जाता है अभी राज्यसभा में तो दैट विल अगेन बी अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली क्या है, आप जब घबराहट में शेयर लेते हो तो ही आपको रिटर्न मिलता है. अभी जो है चीज़ें अच्छी लग रही है क्लियरली. अर्निंग्स ये क्वार्टर की बहुत सारी जगह पे इवन स्पेसिफिकली इन स्मॉलर कंपनीज अर्निंग्स काफ़ी बीट किया है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-2 साल के अंदर, मैंने एक्चुअली आके बिगनिंग ऑफ द ईयर में बोला था कि इस बार इवन ऑन अ निफ्टी इंडेक्स हमारा ये मानना है कि 15-20% अर्निंग ग्रोथ आनी चाहिए. अभी मार्केट काफ़ी स्केप्टिक था और अभी भी थोड़ा है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन लास्ट 2-3 साल से लोगों की है और अनफॉर्चुनेटली अर्निंग मटेरियलाइज नहीं हुई है. तो अभी भी लोगों इस साल भी लोगों को लग रहा है कि बात तो हो रही है 15-18% ग्रोथ आएगी पर एक्चुअली आएगी कि नहीं आएगी. मुझे लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं इस साल के अभी के ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्निंग मोमेंटम के ऊपर हमको तो काफ़ी भरोसा है और हमको लगता है अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन मार्केट की धीरे धीरे रियलिटी के साथ अलाइन हो जाएगी जैसे सेकेंड हाफ आएगा, सेकेंड हाफ ऑफ 2016-17. में डेफिनेटली अगर आप देखिएगा तो एक काफ़ी सारे इन सेक्टर्स में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं और अगर 2008 की मैं फ्रेंजी से कंपेयर करूं तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां 5-10% वैल्यूएशन पे मिल रही है एज कंपेयर विद 2008. नाउ 2008 वाज क्रेजी टाइम्स. उस समय तो मतलब ये सब कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था. अगर मैं 2010-11 से भी कंपेयर करूँ फिर भी बहुत सस्ती है. पर क्वेश्चन क्या है ना, इसमें पेशेंस चाहिए. अगर आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ खरीद लिया है और आप बोलोगे कि मेरे को 3 महीने के अंदर रिटर्न बनाना है ना, तो वो मार्केट ऑब्लाइज नहीं करता है नॉर्मली. अगर आप में पेशेंस है तो मुझे लगता है इन सेक्टर्स में चुनिंदा शेयरों में बहुत पैसा बनेगा. अगर आप देखिए क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस, क्वालिटी ऑफ प्रमोटर्स एंड क्वालिटी ऑफ कंपनीज को ही पैसा मिल रहा है. तो ये नहीं है कि कोई भी आदमी आके पैसा रेस कर सकता है. तो एज लॉन्ग एज ये कंटिन्यू करेगा मुझे लगता है ये वाइब्रेंसी रहेगी और सरकार की तरफ से भी जो उनकी अच्छी कंपनियां हैं मुझे लगता है कि उसमें डेफिनेटली डिसइन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है और वहां पे डिमांड रहेगी. पर इस बार अगर उस वर्ड को पुटअप करूं कि कोई भी सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर प्रमोटर या सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर कंपनी का इशू नहीं आ रहा है और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. ये आप सुन रहे थे रिलायंस कैपिटल के मिस्टर मधु केला को. उन्होंने इनफैक्ट सभी सेक्टर्स को लेकर, बाजार को लेकर और आपकी स्टॉक पिकिंग को लेकर इनफैक्ट एक राय रखी है. इस बीच दीपन, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा. मैंने चार्ट्स देख रहा था, प्राइस बिहेवियर देख रहा था, वॉल्यूम्स को देख रहा था. सबसे अच्छा मूव L&T ने बीते अगर आप देखें 3 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में दिया है. कैपिटल गुड्स पर थोड़ा सा कन्विक्शन स्ट्रीट का बन रहा है. अभी आप लोगों ने L&T या फिर कैपिटल गुड्स पर अपने क्लाइंट से क्या आउटलुक शेयर किया है और प्रिफर्ड पिक कौन सी आपके सेक्टर में? देखिए कैपिटल गुड स्पेस में एक मैं दो बातें बोलना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली L&T का जहाँ तक सवाल है तो L&T कैपिटल गुड्स कम है और EPC कंपनी और इंफ्रा कंपनी ज़्यादा है.
तो उसको कैपिटल गुड स्पेस में हम लोग क्लब कर देते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। दूसरा कि कई सारी ईपीसी या इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने लास्ट 3-4 सालों में अपने बैलेंस शीट पर बहुत ज़्यादा डैमेज किया है और कई सारी कंपनीज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी हैं या दे आर लीडिंग टू स्ट्रेस्ड एसेट बिल्डअप इन द बैंक्स। L&T उस कैटेगरी में भले ही ना हो, लेकिन एक ज़माने में जो उसके कोर रिटर्न्स 30-32% पर जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस उसका चलता था, ईपीसी बिजनेस चलता था, वहाँ से कई गिर चुका, कई ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि उनको भी वर्किंग कैपिटल कंसर्न्स हुए हैं, उनके यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस आए हैं। प्लस L&T ने काफ़ी सारा कैपिटल अपना जो है इंफ्रा एसेट सब्सिडरीज में और दूसरी तीसरी सब्सिडरीज में एलोकेट किया है, जिस पर अभी मेरे ख्याल से कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन आना चालू हो गया है, कमिटमेंट भी आया है मैनेजमेंट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पर जब इंडिया में बहुत बड़ा इंफ्रा बिल्ड आउट नेक्स्ट 4-5 सालों में होना है और L&T खुद भी पोस्ट मोदी यूफोरिया 17-18 की रेंज से घूम के जब 1200 के नीचे चला गया था, तो वो एक अच्छा मौका था L&T एक्यूमुलेट करने का, जबकि हेडलाइन न्यूज़ खराब था और आप उम्मीद पर या होप पर ले सकते थे। आज भी ऐसे एक प्राइस पर है L&T जहां पर कम से कम निफ्टी रिटर्न्स तो देना ही चाहिए। जहां तक बाकी इंफ्रा कंपनीज का सवाल है या कैपिटल गुड्स कंपनीज का सवाल है, सॉरी, तो वहाँ हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स साइकिल अभी भी बहुत वीक है और गवर्नमेंट सेक्टर पे जो कैपेक्स स्पेंड्स हो रहे हैं वो दो एरियाज में हो रहे हैं, पावर में हो रहे हैं और रिन्यूएबल पावर में हो रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि प्रॉक्सीज उस तरह से ढूंढने पड़ेंगे, खास करके रिन्यूएबल्स पर विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और आइनॉक्स और सुजलॉन दोनों ऊपर के लेवल से शायद आधे हो गए हैं। कम से कम आइनॉक्स के केस में मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लेवरेज का कोई फियर नहीं है बैलेंस शीट पर, जो कि लोगों को सुजलॉन के केस में लगता है। तो वहाँ हमको वैल्यूएशन 7-7.5x पर लगते हैं FY18 बेसिस पर, और मैनेजमेंट ने भी क्लैरिफाई किया कि इस बार जो वर्किंग कैपिटल ब्लोटअप आया है वो थोड़ा ऑप्टिकल नेचर का है, फोर्थ क्वार्टर में सेल्स ज़्यादा आए थे बोलकर। तो हमें लगता है कि आइनॉक्स पर फेथ पे पोज करने का समय है कैपिटल गुड सेक्टर में। ऑल राइट, चलिए दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच आज दो नंबर्स भी आने वाले हैं जिस पर बात करनी ज़रूरी है, नेस्ले और साथ ही अरविंद। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंचल मौजूद हैं। अंचल, क्या है एक्सपेक्टेशंस? शुक्रिया आमिर। देखिए, नेस्ले की पहले बात कर लेते हैं, इस बार वीक क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है। नेस्ले का क्वार्टर वन है, ये वो कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, इसके चलते आज इस बार क्वार्टर वन है नेस्ले का, और अगर YOY कंपेयर करें तो जो सेल्स है वो करीब 11-11.5% गिरती हुई दिखेगी। डेफिनेटली मैगी वापस से लॉन्च हुई है, मैगी की बिक्री वापस से नंबर्स पंचिन होते हुए दिखेंगे इस क्वार्टर में, लेकिन एक इशू यही है कि जो पिछले साल इस क्वार्टर में मैगी की सेल्स थी अभी उसको मैच नहीं कर पाई है कंपनी, अभी भी थोड़ा प्रोडक्शन और जो डिलीवरी चैलेंजेस है वो अभी भी हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 quarters और लगेंगे। वहीं दूसरी ओर EBITDA पे अगर आप नजर आए तो करीब 26-26.5% कंपनी का EBITDA गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, और EBITDA मार्जिन भी रिसीड होते हुए दिखेंगे 24.4% से 20.6%। उसका सबसे बड़ा कारण यही है मिहिर की कंपनी ने अपना विज्ञापन खर्च बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दिया, कि मैगी के बाद जो इमेज डैम्पन हुई थी उसको रिवाइव करना था, मैगी एसोसिएटेड कॉस्ट भी थी, जितनी भी लीगल कॉस्ट थी वो भी बढ़ी, एडवर्टाइजिंग स्पेंस बढ़े, तो वो कहीं ना कहीं डाउन प्ले करेगा कंपनी के EBITDA मार्जिन्स पे, और यही कारण जो मुनाफा है वो करीब 18-18.5% गिरता हुआ दिखेगा और 260 crore रह सकता है। एक फैक्टर अच्छा है, वो फैक्टर अच्छा यही है कि कंपनी का डिस्पाइट टैक्स पे आउट हैवी होगा लेकिन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो सकती है, वो इकलौता एक सिल्वर लाइनिंग मैं कहूँगा इस बार नंबर्स में रहेगा। वहीं दूसरी ओर अरविंद की बात करें तो फ्लैटिश टू पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद की जा रही है, कंपनी की आय करीब 6.5% बढ़ती हुई दिखेगी, वहीं EBITDA में भी करीब 4% की बढ़त का अनुमान है, EBITDA मार्जिन भी स्लाइटली बढ़ सकते हैं, 12.7-13% रह सकते हैं। लगातार कंपनी नए ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कर रही है, रिटेल से आय इंप्रूव होती दिख रही है, वही कहीं ना कहीं इसके टॉप लाइन को और इसके मार्जिन्स को ड्राइव करते हुए दिखेंगे। लेकिन जहां तक रही बात मुनाफे की, इसमें एक एडजस्टमेंट है मीर जिसपे आपको नजर रखनी होगी, पिछली बारी करीब 48 crore का एक एडजस्टमेंट था, अगर आप रिपोर्टेड पैट कंपेयर करें तो 48.2 crore से बढ़कर इस बारी 103.5 crore रह सकता है, करीब 115% की बढ़त। लेकिन हाँ, एडजस्टेड मुनाफे पर नजर रखिए क्योंकि वो ज्यादा सेंस बनाएगा, और एडजस्टेड मुनाफा फ्लैट रह सकता है 7%। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अंचल। ब्रिजेश, क्विक व्यू आपका नेस्ले और अरविंद लिमिटेड पर। मीर जी, जैसे मैंने कहा अरविंद मिल नो डाउट समवेयर अराउंड 295-296 के आसपास में आता तो बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 282। शॉर्ट टर्म टारगेट आई एम लुकिंग समवेयर अराउंड 320-325।
रही बात नेस्ले की, आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल ऑफ बाइंग राइट नाउ समवेयर अराउंड. अगर कोई डिप आता है 5300 के आसपास में तो बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 4800. अगेन मोमेंटम प्ले के हिसाब से वी कैन लुक फॉर समवेयर अराउंड 5800 to 5900 लेवल. आखिरी एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, जिस स्टॉक में अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव इस वक्त बन रहा है. एक बार जीनियस पावर को देखिए, करीब 4,67,000 शेयर के कारोबार के बीच में, आई थिंक टेक्निकली ये ऑलमोस्ट अपने, आई थिंक अगर मैं एक बार मल्टी चार्ट्स को देख लूं, ये इस वक्त ऑलमोस्ट अपने मल्टी ईयर, आई मीन ऑलमोस्ट करीब 6-7 साल के हाईज को रिविजिट करने की सोच रहा है. उसका हाई था करीब करीब 62.45 रुपये. इस पर ब्रजेश आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पर? देखिए वीरेन जी, नीचे में लगभग 52-51 के आसपास में सपोर्ट था, आज 58-59 के आसपास में ट्रेड कर रहा है. ये एक रेंज बाउंड में ही के आसपास में ट्रेड कर रहा है. एक बार क्लोजिंगली 59 के ऊपर बंद होना डिसाइसिवली जरूरी है. एक बार अगर ये 59 के ऊपर ये बंद होगा तो नो डाउट फ्रेश बैंक आपको देखने को मिलेगी और नया 52 वीक टॉप आपको देखने को मिलेगा. तो अभी फिलहाल तो सलाह तो ये है कि एक बार 59 के ऊपर बंद होने दीजिए, देन वी कैन गो फॉर अ बाय साइड विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 55 एंड we would be looking for the target of somewhere around 68, but time frame would be somewhere around one month point of view.